अरे रुको रुको, ऐसे नारेबाजी लगाने से कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारे बच्चों को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ कॉपरेट करो। कॉपरेट करें? अरे पिछले दो दिनों से वो दरिंदों के कब्जे में हमारे बच्चे हैं। पता नहीं उन्होंने किस हाल में हमारे बच्चों को रखा होगा। पता नहीं वो दरिंदे हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे होंगे। साहब कुछ भी करो, उन दरिंदों से हमारे बच्चों को छुड़ा लो साहब। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हो, उन लोगों ने हमारे सामने बहुत बड़ी मांग रखी है। हम सोच रहे हैं कि उनकी मांग कैसे माने। साहब हमारे बच्चों की जान खतरे में और आप सोच रहे हो? अगर आपके बच्चे उनके कब्जे में होते तब भी आप इतना ही सोचते? हाँ तब भी हम इतना ही सोचते, क्योंकि देश की इज्जत का सवाल है और किसी की भी जान देश की इज्जत से बड़ी नहीं है। का मतलब आप देश के लिए हमारे बच्चों को शहीद करवा दोगे? आए दिन सरहदों पर देश के लिए जो शहीद होते हैं वो भी तो किसी के बच्चे होते हैं, तब आपको रोना नहीं आता? देखो पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखो, हम आपके बच्चों को जरूर छुड़ा लेंगे। पुलिस प्रशासन पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कौन सा दूसरा रास्ता है? अरे आप लोग पुलिस को हमेशा गलत समझते हो। हम लोग हमारी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। प्लीज आप लोग जाइए अपने अपने घरों को और हमें हमारा काम करने दीजिए। सर प्लीज रुकिए, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। हाँ पूछिए। सर आपने इन्हें समझा बुझा के तो भेज दिया, क्या वाकई आप इनके बच्चे लोग को बचा लेंगे? हम भगवान थोड़ी है, लेकिन हम बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ हम मानते हैं आप भगवान नहीं है, लेकिन पब्लिक तो आपके ऊपर ही भरोसा करती है ना। हाँ पब्लिक को बताइए कि हम पे भरोसा रखे। चलो हमें बहुत काम है। अंकल हम सबको बहुत प्यास लग रही है, पानी दे दो। बहुत प्यास लग रही है तुझे? अंकल मत मारना। बॉस मैं तो बोलता साले को गोली मार दूं। अरे आया चप से पका रहा हूँ, खाने दो पीने दो। अरे इंस्पेक्टर दो दिन हो गया कोई जवाब नहीं दिया, लगता है नमूने की तौर पे 1,00,000 भेजनी पड़ेगी। देखो मैंने ऊपर बात की है, ऊपर से कोई ना कोई जवाब आएगा। और सुनो बच्चों का खाने पीने का ख्याल रखना। अबे इंस्पेक्टर हमने बच्चों को किडनैप किया है, उनको पिकनिक पे नहीं लाया, समझा? बॉस क्या बोलती पुलिस, सैंपल के तौर पर एकाध नमूना भेजना पड़ेगा क्या? मुझे बचा, मुझे बचा। भैया तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तेको भैया, भैया कुछ नहीं होगा तेको। अंकल मेरे भैया को बचा लेना, अंकल मेरे भैया को बचा लेना। बस सालो तुम ऐसे तड़प तड़प के मरोगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ना हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे तड़प रहा हमारे आएगा? अंकल मेरे भाई को बचा लेना, बचा लेना अंकल। अरे साले पिल्ले ये तो तुम्हारे देश की सरकार को समझना चाहिए। ऊपर वाले हमको बचा ले, हमारी मदद कर। ऊपर वाले देख लो कितना मार रहे। अरे ये क्या लगता ना बच्चे लोग मुसीबत में दिख रहे, हमारी मदद कर, कुछ खाने को नहीं दे रहे। लगता ना मुझे जाना ही पड़ेगा। ए बेटा रो मत, तुम्हारी मदद के लिए छोटू सुपर हीरो आ गया है। ए बोलो दे तो। अबे
ए बच्चों, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मारो इनको। सुपर हीरो, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे साहब, शुक्रिया की क्या बात है, कानून की मदद करना और ऐसे गुंडों को सबक सिखाना मेरा काम है। कमलेश, ले इनको सबको अपने ताबे में। इनको धरिंदो से किसने बचाया? वो छोटू सुपर हीरो ने। छोटू सुपर हीरो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबके बच्चों की जान बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। मैं हर माँ बाप से कहता हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान रखे। बाय बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय छोटू सुपर हीरो। चलो बच्चों, बाय बाय, बाय छोटू सुपर हीरो। अरे जल्दी चल मोटू, उसको कवर भी करना है। हाँ। अरे मोटू, ये वही लड़का है जिसकी आवाज सुन के सुपर हीरो आया था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये चल, वही लड़का है। हाँ, चल 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 चल। अरे बेटा रुक रुक रुक। हाँ दीदी, क्या बात है? एक बात बता, तुम्हारी आवाज पे सुपर हीरो आया था ना? हाँ दीदी, वो मेरी आवाज पर आया था। सुपर हीरो हमारी मदद करो, ऐसी आवाज लगाई थी क्या तुमने? नहीं। तो फिर क्या बोलकर आवाज लगाई थी? मैंने तो ऊपर वाले से मदद मांगी थी, तो सुपर हीरो आ गया था। उसने तुमसे बात की? हाँ, उसने तो मेरे आंसू पोंछे और उसने कहा जो कोई भी मुसीबत में फंस जाए और सच्चे दिल से ऊपर वाले को पुकारे तो मैं मदद करने के लिए आ जाता हूँ। इसका मतलब मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ तो मुझे बचाने आएगा? बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ मुझे, बुलबुल, छोड़, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, बुलबुल, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, छोड़, आता तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, छोड़ मुझे, छोड़, ए ऊपर वाले बचाओ मुझे, मेरी मदद कर, हेल्प मी, मेरे को किसी को तो बचाने भेज, भेज, ए ऊपर वाले मदद कर मेरी, भेज किसी को मेरी मदद करने। देख मोटू, आ गया छोटू सुपर हीरो। ए सुपर हीरो, ऐसे क्यों हंस रहा है? ये मोटू को मार, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। ए मोटू, चल निकल इधर से, निकल। तुमने उसे मारा नहीं? एक बात बता, क्यों मारूं उसको? अरे उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अरे तुझमें थोड़ी भी शर्म नहीं है? अपनी इज्जत खुद ही लुटा रही हो। हा? मतलब? मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ही साथी है। अरे वो लड़कियों से पूछो जिनकी सच में इज्जत लूटी गई।
अरे उनपे क्या बीती होंगी, तुम नहीं समझ सकती। अरे खुद कोई अपनी इज्जत लुटाता है क्या? सॉरी सुपर हीरो, सॉरी। एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो? वो क्या है ना, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और ये सब मैंने तुमसे मिलने के लिए किया। मुझे मालूम था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। हा? तुम्हें ही नहीं, जो कोई भी मुसीबत तो होता है ना, उसे बचाने वही आता हूँ। और सुन, मैं सुपर हीरो, सुपर हीरो। तो तुम मुझे अपनी सुपर हीरोइन बना लो ना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो छोटू सुपर हीरो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल खानदेशी फनी मसाला को सब्सक्राइब कीजिए।